गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आज फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थान ज्योग्राफी, जो सेकंड पेपर चलता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, राजस्थान में वर्षा की विशेषताएं कि राजस्थान में वर्षा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो राजस्थान में जो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा से होती है, जिसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो अरब सागर की मानसूनी शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा। तो ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं और राजस्थान में फिर वर्षा करती हैं। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा देखें तो 57.5 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में देखें तो 575 मिलीमीटर क्या होती है, इसमें राजस्थान में वर्षा होती है। उसके बाद देखें 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है राजस्थान को शुष्क व आर्द्र दो भागों में बांटती है। अरावली के समानांतर निकलती है, राजस्थान को कितने भागों में बांटती है, दो भागों में। पश्चिम का भाग तो शुष्क और पूर्व का भाग आर्द्र होता है। आगे देखिए 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी रेतीली मैदान को दो भागों में बांटती है, शुष्क व अर्ध शुष्क। उसके बाद देखें राजस्थान में खंड वृष्टि पाई जाती है, यानी कि राजस्थान में जो खंड वृष्टि कहते हैं, रुक रुक के वर्षा होती है, उसको कहते हैं खंड वृष्टि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अपनी बानसूर, जैसे बानसूर सिटी है, इसमें वर्षा हो रही है और मान लो कि इससे थोड़ा आगे 5-7 किलोमीटर इधर देखिए भूपसेड़ा है, तो इधर वर्षा नहीं हो रहा और बीच के क्षेत्र में फिर वर्षा हो जाती है। तो इस प्रकार बीच बीच में जो क्षेत्र छूट जाता है उसे कहते हैं खंड वृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान के जो अपवाह है तंत्र समूह है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र समूह है उसको तीन भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जैसे कि चंबल, बनास, बाणगंगा, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। उसके बाद देखें अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जैसे लूणी, माही, साबरमती, ये कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। और उसके बाद आंतरिक प्रवाह की नदियाँ जैसे घग्गर हो गई, कांतली हो गई, काकने हो गई, साबी हो गई, ये सारी की सारी नदियाँ किसमें आती हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। इस प्रकार राजस्थान की जो अपवाह तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है, इन तीन भागों में बांटा गया है। आंतरिक प्रवाह की बात करें तो राजस्थान राज्य आंतरिक प्रवाह के लिए ही महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें, चंबल नदी पर निर्मित बांध कौन कौन से हैं। तो चंबल नदी पर कौन कौन से बांध निर्मित हैं, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद देखें राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पड़ता है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। उसके बाद देखें कोटा बैराज सागर बांध, ये कहाँ पड़ता है, कोटा में। और जवाहर सागर बांध, ये कहाँ पड़ता है, ये भी कोटा में पड़ता है। उसके बाद देखें अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ की बात करें तो लूणी नदी, लूणी नदी का उद्गम की बात करें तो लूणी नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलने के बाद जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर क्षेत्रों में से होती हुई अंत में कच्छ के रण में गिर जाती है। उसके बाद देखें माही नदी, तो माही नदी मध्य प्रदेश से मऊ की पहाड़ियों से निकलने के बाद में राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले के खादू गांव से प्रवेश करती है। उसके बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िले में की सीमा बनाती हुई और अंत में कहाँ गिर जाती है, ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और माही नदी के बहाव क्षेत्र को छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए साबरमती नदी, तो उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलने के बाद में यह उदयपुर और सिरोही से प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश कर जाती है और अंत में खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन कौन सी हैं। तो आंतरिक प्रवाह की नदियों में देखें घग्गर नदी, घग्गर नदी की बात करें
तो घग्गर नदी का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? हिमालय के जो शिवालिक की श्रेणियाँ हैं उनमें कालका की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे निकलने के बाद में हरियाणा से प्रवाहित होती हुई हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके पश्चात गंगानगर जिले के सूरतगढ़ और अनूपगढ़ जो क्षेत्र है उससे होती हुई अंत में मान लो कि जैसे ही इस नदी में बाढ़ का पानी अधिक मात्रा में आ जाता है तो इसका जल पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी चला जाता है और पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी जिसे प्राचीन समय में सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था और वर्तमान में इस नदी को स्थानीय भाषा में इसके बहाव क्षेत्र को नाली के नाम से जाना जाता है और इस नदी को मृत या नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखें साबी नदी, तो साबी नदी जयपुर की जो सेवर की पहाड़ियां हैं उनसे निकलने के बाद में बानसूर तहसील बैरोड मुंडावर और तिजारा से होती हुई हरियाणा में प्रवेश करती है और गुरुग्राम के निकट पटौदी नामक स्थान पर विलीन हो जाती है। उसके बाद देखें कांतली नदी, तो कांतली नदी का उद्गम है वो खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर जिले से है। इस नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए कांकनी नदी, तो कांकनी नदी जैसलमेर में बहती है, कोटरी गांव की नदी से निकलती है और इस कांकनी नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें की बात करें तो राजस्थान में डीडवाणा झील नागौर में है, पंचभद्रा बाड़मेर में है, लूणकरणसर झील की बात करें तो बीकानेर में है, कुचामन और लोणवा दोनों ये कहाँ हैं? नागौर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, तो जैसमंद झील, रासमंद झील, पिछोला झील, आना सागर झील, सीलीसेट झील, कोलायत झील, पुष्कर झील, ये सारी की सारी झीलें कैसी हैं? मीठे पानी की झीलें हैं। जैसमंद झील है, जैसमंद झील ये कहाँ पाई जाती है? उदयपुर ज़िले में, राजसमंद झील राजसमंद ज़िले में, पिछोला झील उदयपुर ज़िले में, आना सागर झील अजमेर ज़िले में, सीलीसेट झील अलवर ज़िले में, कोलायत झील की बात करें तो कोलायत झील बीकानेर में जो कि कपिल मुनि की तपस्या स्थली है, और पुष्कर झील की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? अजमेर ज़िले में। राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष कौन से ज़िले में पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष बांसवाड़ा ज़िले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आरक्षित वन किसे कहते हैं? तो जिन वनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, पशु चारण तथा वनों की कटाई पर पूर्ण नियंत्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? आरक्षित वन कहलाते हैं और ये वन सर्वाधिक मात्रा में उदयपुर ज़िले में पाए जाते हैं। कुल वनों का 38.11% भूभाग क्या है? इन वनों का पाया जाता है, आरक्षित वनों का। उसके बाद बात करें रक्षित वन किसे कहते हैं? तो जिन वनों पर सरकार का नियंत्रण तो होता है लेकिन सरकार की अनुमति से पशु चारण तथा लकड़ी की कटाई की जाती है, यानी कि इन वनों में सरकार का तो नियंत्रण होता है लेकिन सरकार की अनुमति से पशु चारण और लकड़ियों की क्या की जाती है? यहाँ पर कटाई की जाती है, रक्षित वन कहलाते हैं। ये रक्षित वन राजस्थान में 12 जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और कुल वनों का 55.64% भाग रक्षित वनों का है। इस प्रकार हमने आज ही 10 क्वेश्चन पर डिस्कस किया। थैंक यू।